शर्मा जी सर, राहुल गांधी की सदस्यता का ही अब जो आवास खाली करने की बात हो रही है, खाली करना है राहुल गांधी को, कहाँ रहेंगे राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी के लिए तो पूरे देश की 133 करोड़ जनता ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। दरवाजे तो उस व्यक्ति के लिए बंद हो चुके हैं जिसने देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है। जो लोग ये सवाल खड़ा करें कि राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, अरे भैया राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी जी के घर के कार्यकर्ताओं के घर में भी चले गए ना, तो जितनी तवज्जो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं देते ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो ये तो आप सवाल ही मत खड़ा करिए कि राहुल गांधी कहाँ रहेंगे। राहुल गांधी के लिए तो इस देश की 133 करोड़ जनता के घर के दरवाजे खुले हुए हैं। राहुल गांधी जिसके घर पे चाहे उसके घर पे जाके रह सकते हैं, तो ये कैसा सवाल है? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता इन्होंने रद्द करी है, ये कहीं ना कहीं देश की डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की आज इन्होंने हत्या करने का काम किया है। और ये लोग जो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर ये लोग आवाज को उनकी बंद करने का काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि राहुल गांधी की जो आवाज थी वो देश की 133 करोड़ जनता की आवाज थी। राहुल गांधी की गलती सिर्फ ये थी क्या कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि अडानी जी का और मोदी जी का संबंध क्या है? ये बताइए ना आप मुझे, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? ओबीसी समाज का जो अपमान हो गया है। अरे भैया जिसको इतनी दिक्कत हो रही है या तकलीफ है, तो वो एक बात मुझे बताइए, नीरव मोदी लाखों करोड़ों रुपए लेके भागा, नीरव मोदी जो पैसा लेके भागा है वो पैसा चुका दे, जो पैसा ललित मोदी लेके भागा है वो पैसा चुका दे कोई, मेहुल चौकसी जो लेके भागा है, विजय माल्या जो लेके भागा है, जो भगोड़े जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेकर भागे हैं, वो पैसा चुका दीजिए ना, क्यों नहीं चुकाते हैं? कांग्रेस की सरकार में भी तो ऐसे घोटाले हुए बहुत सारे। मेरे भाई एक बात आप मुझे बताइए कि लेकिन जिस तरीके से आज जो जांच बैठ रही है, सिर्फ जांच बैठ रही है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन पर जांच एक के भी नहीं बैठ रही। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो आपका तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मनीष सिसोदिया हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, बस इन्हीं लोगों के ऊपर क्यों जांच बैठ रही है? सत्ता पक्ष के भी तो नेताओं के ऊपर जांच बैठनी चाहिए, इन पर जांच क्यों नहीं बैठती है? मोदी जी ने कहा सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी, अरे आपकी पार्टी में है सारे भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम तो भाजपा करती है, वरना भाजपा के नेता बताएं कि हेमंत बिस्व शर्मा कौन है जिसको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं थे? भाजपा बताए उन लोगों के नाम जो शारदा नारदा घोटाले में थे, जो आज भाजपा ज्वाइन करके बैठे हैं। तो भ्रष्टाचारियों को तो पनाह देने का काम भाजपा कर रही है, भ्रष्टाचारी तो भाजपा के अंदर है, लेकिन भाजपा इस सवाल का जवाब नहीं देगी आपको। मांग ले राहुल गांधी ना, सारा खेल खत्म। क्यों मांगेंगे भाई माफी? किस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या देश के लिए आवाज उठाना या सरकार से सवाल पूछना कोई गलत काम है? राहुल गांधी ने कौन सा गलत काम किया है? अनुराग ठाकुर ने माफी नहीं मांगी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफी नहीं मांगी, और राहुल गांधी से आप कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे? क्यों मांगेंगे भैया, सवाल का जवाब दीजिए। माफी मांग लेने से घर खाली नहीं होगा। अरे भैया सुनिए मेरी बात, अनुराग ठाकुर ने बोला था देश के गद्दारों को डैश डैश करके, जो अनुराग ठाकुर ने बोला था, नहीं नहीं वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? जिस व्यक्ति की लैंग्वेज है, जिसके परिपेक्ष में जो चीज सिखाई जाती है वो वही चीज का उच्चारण करता है, तो हमारे को ये सब चीजें नहीं सिखाई गई है। दूसरी बात ये, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती है, ठीक है? नरेंद्र मोदी जी सदन में खड़े होकर एक महिला को सुपर्णखा बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता नहीं जाती है। एक व्यक्ति असेंबली में बैठकर पोर्न वीडियो देखता है, उसकी सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये पूछ लें कि मोदी जी का और अडानी का संबंध क्या है, राहुल गांधी ये बोल दें कि नीरव मोदी चोर है, राहुल गांधी ये बोल दें कि ललित मोदी चोर है, विजय माल्या भगोड़ा है, तो भैया सबको दिक्कत और तकलीफ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? दो बार तो माफी मांग चुके ना राहुल गांधी, तीसरी बार मांग ले घर। नहीं, क्यों मांगेंगे भैया माफी, क्यों मांगेंगे और किस लिए मांगेंगे ये बताइए ना। मांग चुके ना। अरे भैया माफी मांगने का काम सुन लीजिए, माफी मांगने का सारे टेंडर बीजेपी वालों के पास में है, ठीक है? ये जो बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो माफी मांगे, एक बात आप मुझे बताइए, क्यों और किस लिए माफी मांगेंगे? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया तो क्या उन्होंने माफी मांगी थी? दीजिए ना जवाब। राहुल गांधी ने तो किसी का अपमान नहीं किया, मोदी समाज का किया है, ओबीसी समाज का राहुल गांधी। तो क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? आप मना करिए एक बार, नीरव मोदी चोर नहीं है। और अगर नीरव मोदी आपका रिश्तेदार है, तो अगर आपको तकलीफ हो रही है मैं नीरव मोदी को गाली दे रहा हूँ, तो नीरव मोदी जितने बैंकों को चूना लगा के गया है आप सारा पैसा चुका दो। नीरव मोदी इंटरनेशनल कोर्ट में केस करेंगे राहुल गांधी पे। कौन कह रहा है? नीरव मोदी। नीरव मोदी तो खुद भगोड़ा है। अगर नीरव मोदी बैंकों को, नीरव मोदी का लेवल है पे इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने का? नीरव मोदी देश को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा गया, नीरव मोदी किस लिए केस करेगा? नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ये लोग अब तक इस देश का इतना खून चूस चुके हैं और
कहीं ना कहीं इनको भगाने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चौकीदारों का हाथ रहा है, जो अपने आप को चौकीदार बताते थे उन्हीं के राज में चोर भागे हैं, तो इसलिए नारा भी दिया गया था कि चौकीदार चोर है। चौकीदार कौन? चौकीदार सबको पता है कि चौकीदार कौन है, आपको नहीं पता? पहले एक काम करिए, एक वक्त में एक ही कार्य हो सकता है जनाब, या तो आप गुटका चबा लीजिए या सवाल कर लीजिए, ठीक है? तो इसलिए आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि चौकीदार कौन है, ठीक है? पूरे देश को पता है जनाब जी। ललित मोदी कह रहे हैं कि जो है मोदी समाज का अपमान हुआ है, कि हम भगोड़ा नहीं है। अरे भैया तो पैसा चुका दीजिए ना देश की जनता का, क्यों नहीं चुकाते हैं पैसा? आप चुकाइए पैसा, क्यों नहीं चुकाते पैसा? अरे आप तो विदेश पैसा लेके भग गए, आपने तो गोल्डन सिटीजनशिप प्राप्त कर ली, आप तो इंग्लैंड भग गए, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है सारे भगोड़े इंग्लैंड क्यों भगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वर्ल्ड के सबसे टॉप लॉयर्स एडवोकेट जो पाए जाते हैं वो इंग्लैंड के पाए जाते हैं, और जबकि एक संधि साइन हुई हुई है उसके तहत अगर हमारे देश की गवर्नमेंट इनको लाना चाहे तो ला सकती है, लेकिन सरकार तो भैया इसको अप्लाई करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इनमें हाथ भी होगा। नीरव मोदी गिरफ्त में आएगा, विजय माल्या गिरफ्त में आएगा, तो ना जाने कितने नेताओं की चमड़ी भी जेल के अंदर उधड़ने का काम होगा, क्योंकि नेताओं की जो चमड़ी है ना बहुत मजबूत हो चुकी है, जनता का खून चूस चूस के, जनता का पैसा खा खा कर और जनता के टैक्स के पैसे से पेंशन ले लेकर ये नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी और मजबूत हो गई है। इस मोटी चमड़ी पर ना तो देश के नौजवानों की बेरोजगारी का कोई असर होता, ना देश की जनता की महंगाई का कोई असर होता, और अभी तो यूपीआई ट्रांजेक्शन भी महंगा कर दिया है। कोई महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। यूपीआई ट्रांजेक्शन महंगा हुआ है, 1100 पार का सिलेंडर हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप अंधभक्ति का चश्मा अपने दिमाग पर लगाएंगे तो आपको लगेगा देश में तो कोई महंगाई नहीं है। अंधभक्ति का चश्मा इतनी बड़ी तादाद में बिक रहा है कि जब आप अंधभक्ति का चश्मा अपनी आंखों पर लगाते हैं तो सामने खड़ी साइकिल आपको मर्सिडीज या BMW नजर आती है, इसी को अंधभक्ति का चश्मा कहा जाता है। सुशील मोदी, उन्होंने भी केस किया है MPML कोर्ट में की। अरे बिहार के सुशील मोदी, एक बात मुझे इस बात का जवाब बताएं, जब ओबीसीओं के ऊपर अत्याचार होता है तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं, है तब तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन अभी तो आपको पता है कि भैया सुशील मोदी चाह रहे होंगे कि भाजपा उनको MP का टिकट दे दे, नेता या मंत्री बना दे, या वापस से क्या पता बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, तो सुशील मोदी भी अपनी चुनावी रोटियां सेकने लगे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अपने जाल में डालना चाह रही है, हमको जेल भेजना चाह रही है। किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मुझे जेल में डालने के लिए कांग्रेस ने कई जाल बिछाए। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, आप एक काम तो करके देखिए, आप सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ ओनली फॉर वन डे, सिंगल एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जाल बिछा रही है हमको जेल डालने के लिए। अरे भैया कांग्रेस क्या जाल बिछा रही है, मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, सिंगल ओनली फॉर वन डे के लिए आप CBI, ED, इनकम टैक्स और IDIT आप देकर तो देखिए विपक्ष के नेताओं के हाथ में। आपने तो जिनके ऊपर आरोप नहीं है वो भी अंदर हैं और साबित होते होते जीवन बीत रहे हैं उनके, लेकिन आपको पूरे तर्क के साथ में आपके नेताओं को जेल के अंदर अगर बंद नहीं कर दिया, पूरी भाजपा अगर सलाखों के पीछे नहीं पहुंच गई ना, तो हमारा नाम भी मोहित शर्मानी, क्योंकि हम आपको तर्क के साथ बता रहे हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिनके ऊपर घोटाले हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, भैया BJP में आए और एक भी घोटाले का आरोप नहीं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, तो BJP के पास में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी भसम है इनके पास में? कह रही है कि मोदी जी रुकना नहीं, इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, ये तो अपने आप ही सारी बात कह देते, कौन सी जनता कह रही है? जनता की कोई लाइव कॉन्फ्रेंस चलती है क्या? ये तो बताइए, अरे मोदी जी मन की बात में, मोदी जी मन की बात, एक बात मुझे बताइए, लाइव कॉन्फ्रेंस करिए ना एक बार यंगेस्टर के साथ, नौजवान आपका सारा बुखार उतार के ठंडा कर देगा, नौजवान के सामने पार्लियामेंट हुआ था, अरे महिमा मंडल हो रहा था मोदी जी का, वो हमें पता है कैसे यूथ पार्लियामेंट होते हैं, पहले सिलेक्टेड स्टूडेंटों को सर्च किया जाता है, जो मोदी जी की वाहवाही करेगा वही मोदी जी से सवाल करेगा, एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद में सैटरडे संडे जनता की छुट्टी रहती है, लाइव टेलीकास्ट कर दो अच्छी तरीके से, हमें पता है, लाइव कॉन्सर्ट रखिए, और आप कहेंगे रामलीला मैदान तो रामलीला मैदान चुन लीजिए, और तालकटरा स्टेडियम कहेंगे तो तालकटरा स्टेडियम कर लीजिए। आप अगर ये भी बता दें कि GDP की फुल फॉर्म क्या है, किसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम मान जाएं जिस GDP पे आप चर्चा करते हैं। आप जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाते हैं, वो बताइए कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा मोदी जी, जो सपने आप दिखाते हैं, आप सपनों के व्यापारी हैं, आपने लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया है, लोगों को 15-15, 20-20 लाख का झूठा सपना दिखाकर उल्टा लोगों के
जेबों पर आपने डाका डलवाने का काम किया है। नोटबंदी में लोग अपने ही पैसों के लिए लाइन के अंदर लगे, लंबी लंबी कतार। सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। नोटबंदी इस देश में सभी के लिए हुई थी। आपने नोटबंदी की लाइन में किसी अंबानी को, किसी टाटा बिरला को, किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी सांसद को लाइन में लगते हुए देखा था क्या? कोई नेता, मंत्री, सांसद लाइन में नहीं लगा, लाइन में सिर्फ आम जनता लगी। घोटालेबाज लोग लाइन में लगे हुए थे। अच्छा, मतलब जो इतनी 133 करोड़ जनता, ये देख लीजिए पत्रकारिता की क्या हद पार कर दी है इन लोगों ने। ये कह रहे घोटालेबाज लोग लाइन में लगे होते, मतलब जो बुजुर्ग, नहीं नहीं, अरे वाह, मतलब जो हमारी बुजुर्ग माताएं और बहनें, सुन लीजिए, नोटबंदी में सभी लोग लाइन में लगे थे, ये सबको कह रहे हैं कि काले धन वाले थे, आपके घर परिवार वाले नहीं, नहीं, तो आपने कहा है कि काले धन वाले लाइन में लगे हुए थे। जिनके पास काला धन था ना, वो लाइन में नहीं लगे हुए थे, वो बैकडोर से एंट्री कर करके जा रहे थे, ये लो जी 1 करोड़ रुपया और दे दो हमें 50 लाख। और जिनके पास मेहनत का 1 लाख रुपया था ना जनाब, वो रात को कंबल बिछा के भाई सो रहे थे और चुप रहे, चुप बंद करो, आप YouTube चैनल नहीं आपका, ठीक है। और जिन लोगों का असली पैसा था ना, वो अपने 1-1 लाख रुपए के लिए रात को कंबल बिछाकर सो रहे थे कि सुबह उनके घर में उनकी बेटी की शादी होनी है, कल शादी का फंक्शन है, बैंक के बाहर दरी बिछा के सो रहे थे, ठीक है ना। शादी करवाया जा रहा है, इसमें घूम रहे आप, किसके यहाँ कह रहे हैं? योजनाओं के मुख्यमंत्री योजना से हो रहा है सामूहिक विवाह। हाँ, तो मुख्यमंत्री का ही करा दो सबसे पहले। हाँ। सामूहिक विवाह में पहले मुख्यमंत्री का ही करा दो। हाँ। क्योंकि जिन लोगों की शादी होती है, कम से कम वो घर परिवार का दुख तो समझ सकते हैं। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई, वो घर परिवार का दुख क्या समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।